दुख भरी घटना घटती है कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और घटना स्थल पर ही 3 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वो जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी था उसमें कुल 5 व्यक्ति थे और किशनगंज से इस्लामपुर की ओर आ रही थी। उसी वक्त ठीक पांजीपारा से पहले जो है गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है और 3 व्यक्ति की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो जाती है। साथ ही बता दें 2 व्यक्ति जो थे वो आहत हुए थे, घायल हुए थे, उनको इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया गया था। फिर से एक बार बता दें अभी तक जितना हम लोगों को जानकारी मिली है जो मृत व्यक्ति हैं उन लोगों का नाम मोहम्मद महजम बारी, घर जो है बिहार का पोखरा ग्राम में है। बाकी जो 2 जन है जिसकी मृत्यु हुई थी, एक का नाम केशव आलम और एक का नाम विक्रम यादव है। इन लोगों का बारी जो है उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया थाना के पिछला ग्राम में है। साथ ही बता दें आहत जो 2 व्यक्ति थे उन लोगों का घर बिहार के पोखरा ग्राम में थे। इस वक्त हम लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं और इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में परिदर्शन करने आए हैं। इस्लामपुर मोर्ग के सामने चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र से चाकुलिया विधानसभा के जो जीते हुए तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, विधायक हैं मीना साहब, उनसे हम लोग बात कर लेंगे इस दुखद घटना को लेकर। बोल रहे हैं ज़्यादातर जो आदमी है वो आपके इलाके से आते हैं, चाकुलिया के इलाके से, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए वो ये तो घटना बहुत ही दुखद घटना है। ये नौजवान लड़का 5 ये लोग अपना घर से आ रहे थे इधर इस्लामपुर के और पांजीपाड़ा में काम था, उन लोगों का ऐसे ही खबर मिला है। इन पांजीपाड़ा पहुँचने से पहले ही गर्दप्पा नाम से एक जगह है, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में 3 लड़का जो है वहीं पर एक्सीडेंट मतलब डेथ कर गए स्पॉट में और 2 अभी हम लोग का हॉस्पिटल में है इस्लामपुर, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। ये दोनों अभी अच्छा है, हम लोग देख के भी आए, बातचीत भी करके आए और बाकी 3 का जो है अभी पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम करके तब फिर उनका गार्जियन के हवाला कर दिया जाएगा, वहाँ दफन कफन का काम होगा। मृत जो परिवार है उन लोगों से क्या आप लोगों की बात हुई है? जी बात हुई है, गार्जियन भी है उन लोगों का, परिवार का भी आदमी है। वहाँ का हम लोग का जीपी मेंबर जो है, जीपी मेंबर साथ में है हम लोगों का, रात से ही है वो। और देखिए एक्चुअली है क्या, ये घटना तो आए दिन होते रहता है। थोड़ा सेफ ड्राइव सेफ लाइफ जो ये है हम लोग का जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है अवेयरनेस प्रोग्राम, इसमें थोड़ा और भी ध्यान देना चाहिए हम लोग को, जो नियम को मान के चले और जिन परिवार में जो 5 लड़का जो उस परिवार से अभी गुजर गए या 3 जो गुजर गए तो उनका परिवार को हम लोग जो है ये करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो उन लोग को सब्र दे और उनको जन्नत अता करे और जो भी होगा कार्रवाई देखा जाएगा फिर उन परिवार में क्या किया जाए। मृत जो व्यक्ति हैं 3 उन लोगों का नाम और घर कहां पर है ये थोड़ा बताइए। 2 है पिछला में पड़ता है सूर्जापुर जीपी के अंदर में और 1 का है बिहार पड़ता है, पिछला पंचायत बिहार। घायल जो 2 व्यक्ति हैं वो कैसे हैं अभी और कहां से आते हैं वो लोग? अभी ठीक है, अभी हम लोग हॉस्पिटल में अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी अच्छा है, लोग बातचीत भी किए हम लोग, बात भी कर रहे हैं लोग। हम लोग बात कर रहे थे जो विधायक हैं चाकुलिया के मीना साहब, उनसे बात कर रहे थे और स्वाभाविक है कि इस घटना को लेकर जो पूरे चाकुलिया इलाका है वहां पर जो है शोक की छाया छाई हुई है पूरे। साथ ही बता दें कि 1 हफ्ता के अंदर 2 घटना बड़ी घटना दुर्घटना होने के कारण जो है इस्लामपुर महकुमा के अंतर्गत इस्लामपुर हो या फिर चाकुलिया हो, इन दोनों जगहों पर जो दुर्घटना घटी 2-2 जिसमें कुल 6 व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इसको लेकर इस्लामपुर शहर बोलिए और चाकुलिया इलाके बोलिए इन सब जगहों पर शोक की छाया छाई हुई। हम लोगों के बीच मौजूद हैं और ग्वालपुकुर से जो आते हैं तृणमूल कांग्रेस के युवो नेता नाफे साहब, उनसे भी बात कर लेंगे जो इस घटना को परिदर्शन करने इस वक्त वो इस्लामपुर के जो मॉर्ग है महकुमा अस्पताल का वहाँ पर आए हैं और इस विषय में उनकी क्या भावना है चिंता है इस विषय से हम लोग बात कर लेंगे। नाफे साहब आप यहाँ पर आए हैं, आपको घटना की जानकारी कब मिली? हमको कल 9 बजे आपके चैनल से ही मिली कि 5 व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है जिनमें से आपका 3 स्पॉट और 2 मैं लाइव न्यूज़ के तरफ से ये आपका ये खबर मैंने सुना। मैं थैंक्स करता हूँ आपकी न्यूज़ को जो हर मुसीबत के टाइम में हर जगह में सबसे तेज़
और सबसे ज़्यादा आप लोग जो शामिल होकर जो न्यूज़ देते हैं हम लोग लोकली, इसका थैंक्स है। इस्लामपुर के मिट्टी में ये 3 दिन में दूसरा एक्सीडेंट है। कुछ दिन पहले हमारे ओयंदा का डेथ कर गए, जॉय का डेथ हो गया। एक हमारा क्रिकेटर भाई था जो अक्सर हम लोग को यहाँ का लोकल क्रिकेट खेलते थे, उनका भी हमको भी बहुत अफसोस है कि उन लोग भी डेथ कर गए। सेफ लाइफ, सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ जो ममता बनर्जी बार बार बोलते हैं हम लोगों को कि नियंत्रण के साथ कीजिए, अपना जान का हिफाजत खुद अपने आप कीजिए। ये आने वाला दिन में हर युवक के लिए, यौथ के लिए एक पैगाम है कि अपना सेफ एंड सिक्योरिटी खुद लीजिए, क्योंकि घर में आपकी माँ है, घर में आपकी बेटी है, घर में आपकी बहू है, सब आपका इंतजार कर रहा है। जोश और होश एक साथ काम नहीं करता है और मुसीबत कभी पूछ के नहीं आता है। तो इन चीज़ों को देख करके हम लोग आने वाला दिन में हम लोग का प्रशासन से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पूरा एकदम सही से टाइट कीजिए, ओवर स्पीड पे ध्यान दीजिए, कौन गाड़ी किधर जा रहा है, किस पर्पज़ से जा रहा है, कोई खा रहा है अंदर में ना, क्या कर रहा है, इसका भी चेक कीजिए। और हम लोग को भी खुद मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोगों को बहुत ये करना, कोऑपरेट करना होगा कि आने वाला दिन में इस तरह का दुर्घटना नहीं हो, क्योंकि हर आदमी को अपना जान का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लेकर चलना होगा। धन्यवाद। जैसा कि बता रहे थे कि राज्य सरकार द्वारा जो बार बार प्रचार किया जाता है सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, नाफे साहब बता रहे थे कि इस जो सेफ ड्राइव सेफ लाइफ है, इसको आप लोग जब कभी बाइक चला रहे हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं या फिर जातीय सड़क जो है NH-31 उसको पार कर रहे हैं, तो हमेशा इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखा कीजिए। यहाँ पर एकाधिक नेतृत्व जो कि चौकुलिया से और ग्वालपुकुर से आते हैं, इस वक्त उनके अंदर शोक की छाया छाई हुई है तथा इस वक्त जो है परिदर्शन करने इस्लामपुर महकुमा अस्पताल के जो मॉर्ग है यहाँ पर आए हैं। साथ ही बता दें आप लोगों को जो कुछ देर बाद ही जो है यहाँ पर जो है उनका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही जो है सबको चाकुलिया लिया जाएगा। यहाँ पर एकाधिक नेतृत्व है, हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे अनवर साहब से, जो इस घटना को लेकर पूरे इलाके में एक शोक की छाया छा गई है, इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत दुखद घटना है। रात में हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही देखे, फेसबुक में देखने के बाद हम सुने जो सुरजापुट्टू का बोरा गांव से सुने पहले, तो उसके बाद हम फ़ोन ऑन करके पता किए। मेरा वहाँ अंचल प्रेसिडेंट का घर भी है, तो देखे वहाँ का नहीं है, ये लोग सईदपुर का इधर पिछला का निकला। तो खैर जो भी हो, हमारे इलाका का और सबसे बड़ा बात है जो ये युवा साथी है और जिस फैमिली से कोई चला जाता है वक्त से पहले, उस फैमिली पर क्या बीतता है फैमिली से पूछा जाए। অবশ্যই জানাবো, আমাদের MLA সাহেব এখানে আছে, আমাদের রব্বানী সাহেবের সাথেও আমি কথা বলেছি রাত্রেই। আমরা রব্বানী সাহেব আজকে আমরা কলকাতা যাবো, রব্বানী সাহেবকে বলবো বিশেষ আরো ডিটেলসে, তারপরে দেখছি কেন যে যুবকরা অকাল মৃত্যু হয়ে গেছে ওনাদের, তাই ওনাদের যদি কিছু হেল্প করা যায় গভর্নমেন্ট থেকে, আমরা গভর্নমেন্টের কাছে দাবি অবশ্যই করব। हम लोग बात कर रहे थे अनवर साहब से, जैसे कि बता रहे थे वो जो ये जो है 3 युवक को जो मृत्यु हुई है, इनको जो है चाकुलिया के जो विधायक हैं मीना साहब हो या फिर पास के ही जो विधानसभा क्षेत्र हैं ग्वालपुकुर, वहाँ से जो मंत्री आते हैं गुलाम रब्बानी, इन लोगों के द्वारा जो परिजन पीड़ित परिवार हैं जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को सहायता पहुँचाई जाए, ऐसे ही कोशिश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के जो सदस्य हैं तथा नेतृत्वबिंद हैं उनके द्वारा कोशिश करेंगे जो पूरा जो है जो पीड़ित परिवार है उन लोगों को सहायता मिल सके। साथ ही एक बार फिर से आप लोगों को बता दे, कल जो दुखद घटना घटी पांजीपारा इलाके में, वहां पर जो है घटनास्थल पर 3 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, 2 व्यक्ति को घायल अवस्था में इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया गया था। इस वक्त जो है दोनों घायल व्यक्ति का इलाज इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में चल रहा है और चाकुलिया के विधायक मीना साहब जैसा बता रहे थे कि दोनों जो घायल व्यक्ति हैं अभी स्वस्थ हैं, उन लोगों से बात करके आए हैं। साथ ही बता दें यहाँ पर चाकुलिया हो, ग्वालपुकुर हो या फिर आसपास के इलाके जो किशनगंज आती है, बिहार आता है, बिहार से भी एक बासिंदा थे, वहाँ के सभी जो हैं व्यक्ति इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल आ पहुँचे हैं, जहाँ पर कुछ देर बाद ही जो है तीनों मृत व्यक्ति का जो पोस्टमार्टम है कुछ देर बाद ही इस्लामपुर के जो मॉर्ग है इस मॉर्ग में कराया जाएगा, उसके बाद ही जो है उनका जो शव है उस शव को जो है जहाँ पर उन लोगों का वास स्थान है चाकुलिया बोलिए, बिहार बोलिए, इन सब जगहों पर ले जाया जाएगा। फिर से एक बार बता दो, जो इस घटना को लेकर जो है
है पूरे चाकुलिया क्षेत्र में जो है शोक की छाया छा गई है। दोनों तीनों जो पीड़ित परिवार हैं, तीनों जो व्यक्ति हैं उनकी जो मृत्यु हुई है, उनके जो परिवार के जन हैं वो भी इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में आए हैं। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए आप लोग न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ जुड़े रहिए। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से मेरे सह प्रतिनिधि तुषार।